हेलो गाइस सो अगेन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा था और हमने उससे कुछ ड्रॉबैक्स की भी बात करी थी एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट है ना हमने सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन क्रिएशन हमने देखा ट्रैवर्सिंग ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट हम लोगों ने बात की इसके अलावा हमने सिंगल लिंक लिस्ट में रिवर्स ट्रैवर्सिंग की भी बात की थी सर्चिंग ऑफ एलिमेंट हमने सिंगल लिंक लिस्ट में बात की लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट का जो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है जिसके कारण हम आज बात करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में हम पहले उसको डिस्कस करते हैं हालांकि हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि वॉट इज द ड्रॉबैक ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट अब देखिए सिंगल लिंक लिस्ट में जो तो सबसे मेजर इश्यू है वो क्या है द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवर्सिंग ठीक है ट्रैवर्सिंग प्रॉब्लम मीन्स वॉट कि सपोज अगर ये आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है और यदि इस लिस्ट में मुझे ट्रैवर्सिंग करना है ठीक है दिस दिस लिस्ट कंसिस्ट फोर नोट्स बट कंसिडर यदि इस लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ नोड है और यदि मान लो मेरा एक पॉइंटर है जो इस पोजीशन पे है ना सपोज एक पॉइंटर है मान लो ये एड्रेस है जीरो वन टू दिस इज वन वन सेवन सिक्स दिस इज थ्री जीरो वन एट सो दिस नोट कंसिस्ट थ्री जीरो वन एट सपोज दिस इज वन वन नाइन सिक्स तो दिस नोट कंसिस्ट वन वन नाइन सिक्स एंड दिस इज वन वन सेवन सिक्स ओके टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ठीक है और ये नल एंड दिस इज स्टार्ट ये था हमारा सिंगल इंग्लिश है ना कि सिंगल इंग्लिश में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में traversing तो कर सकते हैं मतलब इट्स वेरी इजी टू ट्रेवर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एग्जांपल यदि मान लो मेरा एक पॉइंटर है जो यहां पर है सपोज वी हैव अ पॉइंटर हमने को मैंने अगर स्टार्ट पे असाइन कर दिया तो मैं इसको आसानी से नेक्स्ट नोट पर ले जा सकता हूं बिकॉज ये दिस नोट कंसिस्टेंट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोट है ना वन वन सेवन सिक्स इसके पास है तो सिंपली अगर मैं एक लाइन लिख दूंगा कि टैंप के पास टैंप का एड्रेस आ जाए

फर्स्ट वाले नोट का एड्रेस हमने लास्ट नोट को दे दिया था तो ये नोट इससे कनेक्ट हो गया लेकिन आप समझिए यदि मान लो ये तो चलो पांच नोड है ठीक है फोर नोड्स हैं लेकिन इमेजिन करिए आप किस लिस्ट में एक हजार नोट है अब वन थाउजेंड नोट अगर इस लिस्ट में है और अगर इस टेम्परेरी पॉइंटर को मुझे जस्ट एक नोड पीछे लाना है तो सिंगल लिंक लिस्ट में तो पॉसिबल नहीं है सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे पॉसिबल है कि इस पॉइंटर को पूरा ट्रेवर्स करके यहां पर आना है सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि आपका एक पॉइंटर जो कि आपको जस्ट एक नोट पीछे लाना है और आप उसके लिए पूरा सर्कल क्रॉस करके एक नोट पीछे आ रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी मच आई ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि सर्कुलर लिंक लिस्ट पर अगर मैं जाता हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जस्ट बिकॉज जस्ट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन की जो मैंने ऑपरेशन की बात की है राइट right? तो सिंगल लिंकलिस्ट की हम बात करें तो सिंगल लिंकलिस्ट में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिवर्स ट्रेवर्सिंग कर सकें ओके रिवर्स ट्रेवर्सिंग इन द सेंस कि बॉस अगर एक नोट को मुझे पीछे लाना है सो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहां पर आप समझना इस नोट के पास नेक्स्ट नोट का एड्रेस है लेकिन इसके पास इसका एड्रेस नहीं है दिस नोट हैविंग एन एड्रेस बट दिस नोट डोंट हैव एन एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोट तो ये जो प्रॉब्लम है ठीक है कि यदि आप इजीली ट्रेवर्सिंग करना चाहते हैं अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है सर आपने सिंगल लिंक लिस्ट में रिवर्स ट्रेवरसिंग पढ़ा था हमने वो पढ़ा था लेकिन वो ऑफ द वे कॉन्सेप्ट है सिंगल लिस्ट में प्रॉब्लम यही है कि हम पॉइंटर को पीछे मूव नहीं कर सकते राइट right? लेकिन हम देखिए प्रोग्रामिंग से तो हर चीज पॉसिबल है तो हमने रिवर्स रेवर्सिंग जरूर किया है लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको पॉइंटर्स को मूव करना है फॉरवर्ड लेके जाना है पीछे लेके आना है सो so कैसे आप पॉसिबल है आप सर्कुलर लिंकलिस्ट अगर बनाने जाओगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी काफी हाई हो जाएगी तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है डबली लिस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा डब्ल्यू लिंक राइट तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है ठीक है तो अब यहां पर अगर हम डब्ल्यू लिस्ट की बात करें सो वॉट इज डब्ल्यू लिंक बेसिकली समझना आप इंपॉर्टेंट <coughs> टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है वॉट इज सिंगल ड्रॉबिकल लिस्ट ठीक है सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने पढ़ा है लेकिन वो सिंगल लिंक लिस्ट के ड्रॉबैक को रिमूव नहीं कर रहा है तो अब यहां पर अगर हम बात करें व्हाट इज अ वब्ल्यू लिंक लिस्ट तो लिंक लिस्ट हम डेफिनेशन क्या देते हैं जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट को डिफाइन किया था सिमिलर टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड इन विच एवरी नोड इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट के नोट की बात करें तो हमारे सिंगल लिंक लिस्ट में दो ही पार्ट थे एक था डेटा पार्ट और एक था एड्रेस पार्ट लेकिन अगर हम डब्ल्यू लिस्ट की बात करें तो डब्ल्यू लिस्ट में हर नोट के तीन पार्ट होंगे एक होगा लेफ्ट एड्रेस एक होगा राइट एड्रेस और एक होगा आपका डेटा पार्ट वन इज लेफ्ट एड्रेस सेकंड इज राइट एड्रेस एंड वन इज डेटा पार्ट एवरी नोट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट लेफ्ट एड्रेस पार्ट राइट एड्रेस पार्ट एंड डेटा पार्ट अब हम यहां क्या बोलेंगे लेफ्ट एड्रेस इज अ पार्ट वो कंटेंट एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोट राइट एड्रेस इज अ पार्ट वो कंटेंट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड डेटा इज द पार्ट वो कंटेंट एक्चुअल डेटा जैसे यहां पर हमारे पास केवल एड्रेस था तो इससे हम अगले नोट का एड्रेस इसको असाइन कर सकते थे लेकिन इसका एड्रेस इसको असाइन नहीं कर सकते थे ये सिंगल इंक्लिश का ड्रॉबैक था डबल इंक्लिश में अगर हमारा हर नोट इस तरीके से बनेगा जिसमें हर नोट के तीन पार्ट होंगे अरे ध्यान से तो समझो तीन पार्ट एक होगा लेफ्ट एड्रेस पॉइंटर एक होगा राइट एड्रेस पॉइंटर और एक होगा आपका डेटा तो डेटा में अगर मान लो मैंने डेटा साइन कर दिया तो लेफ्ट एड्रेस पॉइंटर क्या स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोट सपोज ये आपका प्रीवियस नोट है तो इसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा अगर मान लो ये आपका ये नोट है इसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना अरे समझ में आई बात ये दोनों नोट आपस में कनेक्ट हो गए मतलब अब मेरा एक पॉइंटर यहां से यहां भी मूव कर सकता है और यहां से यहां भी मूव कर सकता है हम सिंगल इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नोट इसको जानता है लेकिन ये नोट इसको नहीं पहचानता है

तो मैं क्या लिख दूंगा टैंप इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एलेट तो ये मेरा टेम्पररी पॉइंटर जो है ये लेफ्ट एड्रेस से वापस पीछे आ जाएगा ये रहा लेफ्ट एड्रेस वन जीरो वेरी इजी दैट वी कैन मूव अ पॉइंटर इन बोथ द डायरेक्शन तो हम डब्ल्यू लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं डब्ल्यू लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड इन विच एवरी नोड इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट लेफ्ट एड्रेस पार्ट राइट एड्रेस पार्ट एंड डेटा पार्ट लेफ्ट एड्रेस इज अ पार्ट वो कंटेंट एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोट राइट एड्रेस इज अ पार्ट वो कंटेंट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोट इन डब्ल्यूट इज ऑलवेज एट स्टार्ट पोजिशन डब्ल्यू लिंकलिस्ट ने फर्स्ट नोट हमेशा कहां होगा स्टार्ट पोजिशन पे एंड द लेफ्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोट एंड द राइट एड्रेस ऑफ लास्ट नोट इज ऑलवेज नल पहले नोट का लेफ्ट एड्रेस और लास्ट नोट का राइट right एड्रेस हमेशा क्या होगा नल होगा जैसे हम सिंगल इंग्लिश में बोलते थे सिंगल <coughs> इंग्लिश में हम क्या बोलते थे फर्स्ट नोट हमेशा स्टार्ट पोजीशन पे होगा और लास्ट नोट का जो एड्रेस है वो हमेशा नल होगा राइट right. यहां पर हम क्या बोलेंगे फर्स्ट नोट हमेशा स्टार्ट पोजीशन पे होगा लेफ्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोट एंड राइट एड्रेस ऑफ लास्ट नोट इज ऑलवेज नल ट इज नॉट डबल इंक्लिट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अब यहां भी सारे ऑपरेशन हमारे वही परफॉर्म होंगे कौन कौन से क्रिएट देसर्ट में भी हम बात करेंगे इनसे इंसट मिडिल इंसट लास्ट राइट देन विल टॉक अबाउट डिलीट सिमिलरली डिलीट में भी हम बात करेंगे डिलीट फर्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन नोट को डिलीट करना है मिडिल पोजीशन नोट को डिलीट करना है लास्ट पोजीशन नोट को डिलीट करना है एंड देन डिस्प्ले ये बेसिक ऑपरेशन है इसके बाद जो हम परफॉर्म करेंगे सर्चिंग शॉर्टिंग जो सिंगल लिंकलिस्ट में वो डब्ल्यू लिंकलिस्ट में भी हो सकते हैं सो द मेजर कॉन्सेप्ट क्या है वी शुड गो फॉर अ डब्ल्यू लिंकलिस्ट बिकॉज द ड्रॉबैक ऑफ अ सिंगल लिंकलिस्ट इज दैट इन सिंगल लिंक द ट्रेवर्सिंग इज पॉसिबल ऑनली इन वन डायरेक्शन सिंगल लिस्ट का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसमें ट्रेवर्सिंग एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है हम प्रीवियस या पीछे बैक मूव नहीं कर सकते राइट right? लेकिन डबली डब्ल्यू लिस्ट में हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो आप ये समझना जो फ्यूचर में आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना वहां पर आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट डब्लू लिस्ट इंप्लीमेंटेड मिलेगा मतलब जहां भी डायनेमिक मेमोरी की रिक्वायरमेंट है कोई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ठीक है या कोई वेबसाइट में जहां पर अगर मैंने आपको बोला था ना आप जो वेबसाइट में कार्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं कोई भी कम, कमर्शियल वेबसाइट में आप देखते हो कार्ड होता है राइट दिज आर बैकग्राउंड में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पूरा डब्ल्यू लिस्ट है क्योंकि तो डब्ल्यू लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम इजीली दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और डायनेमिक है तो इंसर्शन क्रिएशन डिलीशन कोई लिमिट ही नहीं है सब कुछ हमारे हाथ में है यहां पर वो तो हम ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट के टाइम ही डिस्कस कर चुके हैं तो ये है लिंक लिस्ट का राइट right? लेकिन अब हमें यहां पर बात करना है इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूं यदि आपने सिंगल लिस्ट पढ़ा है सो so लिस्ट आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल रहेगा मतलब इट्स वेरी इजी टू इंप्लीमेंट डब्ल्यू लिस्ट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लिस्ट अगर आपने सिंगल लिस्ट की पूरी प्रोग्रामिंग की हुई है क्रिएशन जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है उसके प्रोग्राम्स के वीडियो अपलोडेड है क्योंकि आप यह समझना आप डायरेक्टली डब्ल्यू लिस्ट नहीं पढ़ सकते नो द सिंगल लिस्ट मतलब डब्ल्यू पे आने के लिए पहले आपको सिंगल सिंगल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा उसके ड्रॉबैक्स को देखना पड़ेगा तभी तो आपको डब्लुल इंक्लिश समझ में आएगा अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये नोट कैसे बनेगा अरे ये तो नोट क्रिएशन हमारे हाथ में है याद है हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है जो हमारे स्ट्रक्चर की साइज होती है वही हमारे नोट की साइज होती है तो हमारा स्ट्रक्चर अभी तक जो था वो हमें ऐसा नोट बना के दे रहा था सिंगल इंक्लिश का अब हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देंगे और इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो हमें डब्लुल इंक्लिश का नोट बना के दे देगा तो ये डब्ली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पे हमने बात की लेकिन अब यहां पर हम आते हैं इसके प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन पे कि हाउ टू डिजाइन दिस डब्ली लिंक लिस्ट अच्छा यहां पर आप समझना मैं स्टैक क्यू से आपको ये बात बोल रहा हूं कि हमारा मैनू एप्लीकेशन जो है वो एज इट इज रहेगा हमने क्रिएट जैसा सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था सेम क्रिएशन हमारा डब्ली लिंक लिस्ट में भी चलेगा सेम इंसर्शन मतलब फंशनलिटी वही रहेगी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा तो हमारा मेनू जो है जो सिंगल लिंक लिस्ट का हमारा मेनू है वही हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यूज में आएगा जो चेंजेस होंगे हम वहां पर डिस्कस करते हैं ठीक है तो दब, अच्छा इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को जब आप देखोगे तो आपको चीजें और इजिली समझ में आ जाएंगी मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां भी जो हमारा मेनू होगा उसमें यह ऑप्शन होंगे बस हम हेडिंग चेंज कर देंगे है ना जैसा हमारा सिंगल लिंक लिस्ट का मेनू था यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट ठीक दिस वन वन नंबर यहां भी क्रिएट टू नंबर सेम इंसर्ट फर्स्ट ठीक है थ्री इंसर्ट मिडिल फोर इंसर्ट लास्ट है ना और फिर फाइव डिलीशन डिलीट फर्स्ट डिलीट मिडिल सेवन डिलीट लास्ट तो सेम मेनू हमारा जो सिंगल लिंक लिस्ट का था वही मेनू को हम लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट करेंगे तो ये अभी तक जो हमने देखा ये था थोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लिंक लिस्ट के क्रिएशन और इंसर्शन की बात करने वाले हैं तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें देन नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट की बात करेंगे ठीक है थैंक यू